दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक मुकाबले को भारतीय टीम के हार जाने के बाद भारतीय दिग्गज भड़क गए हैं और भारतीय टीम को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे भारतीय टीम के साथ साथ आप भी हो जाएंगे हैरान। और आखिरकार आपको बता दें कि हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों पर भारतीय दिग्गजों ने क्या बयान दिया, ये तो आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत का सबसे बेहतरीन टेस्ट प्लेयर कौन है, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों इतिहास रचने से पहले अंतिम और पांचवें टेस्ट मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने कप्तानी करते हुए सबसे पहले टॉस हार गए और टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करी और भारतीय टीम की तरफ से पहले बल्लेबाजी करके ऋषभ पंत की 146 और रविंद्र जडेजा की 104 रन की पारी के कारण भारतीय टीम 416 रन बना पाई और जिसमें अंत में जसप्रीत बुमराह के एक ही ओवर में 35 रन देखने को मिले और जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वहीं इसके उपरांत आपको बता दें कि इंग्लैंड की टीम जॉनी बेरस्तो के 106 रन की बदौलत मात्र 284 रन बना पाई और इसके बाद भारतीय टीम के पास 132 रनों की लीड मौजूद थी और दूसरी पारी में भारतीय टीम ने चेतेश्वर पुजारा के 66 और ऋषभ पंत के 57 रन की बदौलत 245 रन ही बनाए और 378 रनों का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को दे दिया। और इंग्लैंड की टीम की तरफ से जॉनी बेरस्तो और जो रूट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अपना शतक लगाकर 200 रनों की बढ़िया साझेदारी करके भारतीय टीम को अकेले अपने दम पर ही हरा दिया और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड और भारत के बीच में 2-2 से सीरीज बराबरी पर पहुंच गई। और भारतीय टीम की मुकाबले में हार के बाद भारतीय दिग्गजों का हैरान कर देने वाला बयान सामने आया जिसमें सुनील गावस्कर ने भारतीय टीम के ऊपर भड़कते हुए कहा कि भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने योग्य थी लेकिन पता नहीं किस तरीके से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को खेला। हालांकि शुरुआती तीन दिन भारतीय टीम के बहुत ही शानदार रहे परंतु अंतिम दो दिन में भारतीय टीम अपनी पटरी से उतर गई और विरोधी टीम ने भारतीय टीम के ऊपर शिकंजा कस लिया और इस हार में भारतीय टीम के जिम्मेदार भारतीय टीम के खिलाड़ी तो हैं लेकिन पूरे मुकाबले में भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी भी खिलाड़ी ने लगातार बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं गौतम गंभीर ने कहा कि भारतीय टीम लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही थी परंतु अचानक से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने विपरीत प्रदर्शन करके भारतीय टीम को हार का जिम्मेदार बना दिया जिसमें भारतीय टीम की तरफ से सबसे बड़े गुनहगार दूसरी पारी में ना प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं जिसमें भारतीय टीम के गेंदबाजों की सबसे बड़ी गलती है क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने बेहतर प्रदर्शन नहीं किया जिसके कारण भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। और इस ऐतिहासिक मुकाबले में भारतीय टीम ने हार का सामना किया और ज्यादातर खिलाड़ियों ने इस मुकाबले में अपना योगदान बिल्कुल भी नहीं दिया। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि भारतीय टीम की हार की सबसे बड़े जिम्मेदार खुद विराट कोहली हैं क्योंकि विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी हैं और सीनियर खिलाड़ी के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है और विराट कोहली ने दोनों पारियों में बेकार प्रदर्शन करके भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया जिसके कारण भारतीय टीम का मनोबल बिगड़ गया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ही बेकार गेंदबाजी दूसरी पारी में करी और विरोधी टीम को हराने का प्रयास भी नहीं किया जिसमें जसप्रीत बुमराह की बेकार कप्तानी के साथ साथ फील्डिंग प्रिपरेशन भी उतनी जिम्मेदार नहीं है जितनी पूरी टीम को होनी चाहिए और अब तक भारतीय टीम के खिलाड़ियों को इस हार से सबक लेना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम किस वजह से इस मुकाबले में जीतते हुए भी हार गई, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।